अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए हैं तुर्की की बहुत ही मशहूर सुलेमानिया मास्क में। और सुलेमानिया मास्क आपने शायद नाम सुना हुआ, इसका सबसे जो मशहूर मास्क है इस्तांबुल की उनमें से एक है, सुल्तान अहमद मास्क या ब्लू मास्क जिसे बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। उसके अलावा हाया सोफिया जो अब मस्जिद भी है, और उसके बाद जो है सुलेमानिया मास्क का नंबर आता है। और इस मस्जिद को सुल्तान सुलेमान द फर्स्ट उसने बनवाया था, सुलेमान अल अव्वल, जिसको सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और सुलेमान कानूनी जो है उनको ईस्ट में जाना जाता है इस नाम से। ये 10th ऑटोमन सुल्तान थे, और इनकी सल्तनत का जो सबसे लंबा टाइम पीरियड था ऑटोमन एम्पायर में से सबसे ज़्यादा इन्होंने हुकूमत की है, 46 बरस थी। और इन्हीं के ज़माने में बेलग्रेड जो यूरोप का हिस्सा था और रोड्स आइलैंड और हंगरी के इलाके भी इन्होंने फतह किए थे। और इसी मस्जिद के अंदर इनका मज़ार भी है, और वो मज़ार भी हम आपको दिखाते हैं। और ये सबसे बड़ी जो कब्र नज़र आ रही है आपको सामने, ये सुल्तान सुलेमान की है, और बाकी उनके साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं। और मज़ार के अंदर वही ऑटोमन स्टाइल में काम हुआ हुआ है, लकड़ी के दरवाजे भी आपको नज़र आ रहे होंगे पुराने ऑटोमन स्टाइल के, और टाइलों का भी ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है, डिफरेंट कलर की टाइल्स वगैरह, बहुत ही खूबसूरत। और आपको वाकई एहसास होता है कि आप शायद किसी पैलेस में आ गए हैं। ये जो सामने आपको कब्र नज़र आ रही है ये उनकी सुल्तान द मैग्निफिसेंट की वाइफ थी, हरिम सुल्तान उनकी है, और साथ में कुछ और फैमिली मेम्बर्स हैं। तो अभी हम आपको मस्जिद दिखाते हैं। और ये सुलेमानिया मस्जिद जो है ये बहुत ही ऊंची जगह पे इस्तांबुल के एक इस इलाके में है। सुलेमानिया मस्जिद के बारे में आपको बताते जाएं कि इस मस्जिद की बुनियाद जो है 1550 में रखी गई थी, और इसकी कम्प्लीशन जो है 1557 में हुई थी। और ये मस्जिद जो है काफ़ी ऊंची जगह पे है यहाँ पे इस्तांबुल में, और सारा इस्तांबुल जो है यहाँ से नज़र आ रहा होता है आपको। और सुलेमानिया मस्जिद जो है पिछले तकरीबन 462 ईयर से सबसे बड़ी मस्जिद थी इस्तांबुल में, और ये रिसेंटली जो नई मस्जिद बनी है यहाँ पे चमलिका मास जो 2019 में गालबन कंप्लीट हुई थी, तो वो इससे बड़ी है। इससे पहले सबसे बड़ी जो इस्तांबुल की मस्जिद थी वो यही थी, और थर्ड हिल कहते हैं इस जगह को गालबन, जहाँ पे ये मस्जिद है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो मैमार सीनान, जो काफ़ी मशहूर ऑटोमन आर्किटेक्ट हैं, और महरिमा सुल्तान मस्जिद भी बनाई थी उन्होंने, तो उनकी निगरानी में ये बनी थी। और इस मस्जिद की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है डोम्स की, वो 53 मीटर्स, और जो डोम्स का डायमीटर है वो तकरीबन 26 मीटर्स है, और इसके 4 जो हैं मीनार हैं, और मीनारों की हाइट जो है तकरीबन 76 मीटर्स है। और इस मस्जिद का शुमार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में होता है। और इस मस्जिद को 1660 में जो है काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था जब आग लगी थी यहाँ पे, तो बाद में इसको जो है दोबारा अर्थक्वेक 1776 में जो टर्की में आया था उसमें भी डैमेज हुआ था, लेकिन बाद में इसको जो है फिर दोबारा रीबिल्ड किया गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका जो कोर्टयार्ड है वो इसे एज ए वेपन डेपो भी यूज़ किया गया था, और इसकी वजह से जो है मस्जिद में दोबारा फिर आग लगी थी, और इसको दोबारा जो है 1956 में फुली रिस्टोर किया गया था। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, वही सेंट्रल डोम
और बिग शैंडलिया और ऊंची जो है ऊंची रूफ हाइट और सामने बड़ा मेंबर और उसके साथ जो है पीछे लेडीज के लिए नमाज पढ़ने की जगह, वो तकरीबन जैसे टर्किश मॉस में होता है। तो हम जी अभी सुल्मानिया मस्जिद से निकले थे, अभी इधर आए हैं और ये सामने एक हमारे भाईजान हैं, तो इनसे मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका भाईजान? What's your name? My name is Mehmet. And okay, and you're from Turkey, right? I'm from Turkey. I'm the manager of the shop. Okay. I'm waiting all Pakistani people. Okay. And what do you say to Pakistani people? Jive jive Pakistan, jive jive Turkey. ये आप लोगों ने देखा, जीवे जीवे पाकिस्तान और जीवे जीवे तुर्की। तो इंशाल्लाह आप आए तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, हमें यहाँ पे इन्होंने चाय दी है, ये बिल्कुल तो बड़ी खूबसूरत प्यारी चाय है और इनके पास ये चीज़ें देखें, डिफरेंट किस्म की चाय है। इसके अलावा ये डेट्स हैं, खजूर, डिफरेंट किस्म की स्वीट्स हैं, टर्किश डिलाइट वगैरह। और परफ्यूम भी है इनके पास, ये जो सुल्तान अब्दुल हमीद वाली हैट्स हैं वो भी हैं। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें और डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, तोहफे हैं और ये सोवेनियर्स और इनका प्यार और इनकी मोहब्बत। तो इंशाल्लाह जो है ज़रूर आए सियाब पे और बिल्कुल सुलेमानिया मस्जिद के सामने। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को भी ज़रूर पसंद करेंगे। जब मैंने बुरसा की ग्रैंड मास्क का विज़िट किया था, उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी कि उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।